integration by parts, which is another very important portion of integration, which covers a variety of questions where our normal situation fails to cover up. Okay, so here we have two functions in the form of product. Okay, and when these two functions are available in the form of product, then how to carry on with the integration? I am not going into its derivation, how this formula is derived. Okay, formula is basically derived from differentiation by parts. Okay, product rule से वो derive होता है, but हम इसको directly follow करेंगे. Suppose we have to carry out integration of this product of two functions fx gx dx. So we select first question. Which question should I take first? Either this or this. ठीक है, this I have to make a proper selection. जो basic guideline है वो समझा रहा हूँ मैं आपको. First function हम हमेशा उसको select करते हैं जिसका हमें derivative तो पता है, integration नहीं पता. क्या guideline है? जिसका हमें derivative the first function पता है. Is so selected that the derivative of first function is known but integration is not known. ठीक है, तो दोनों में से हम उसको ले लेते हैं जिसका डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता. तो जब ये चीज देखकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले, तो फर्स्ट फंक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर ये फर्स्ट ले लिया तो ये सेकंड हो जाएगा. तो जनरली यही कम्युनिकेशन में आता है, विच फंक्शन यू विल सिलेक्ट एज फर्स्ट फंक्शन. तो मान लो हमने ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन पता है, इसलिए हमने एफ एक्स को सिलेक्ट किया. तो वी राइट फर्स्ट फंक्शन एज सच विदाउट डूइंग एनीथिंग टू इट, एंड देन वी कैरी आउट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स. तो ये पता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ वी राइट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसका डेरिवेटिव पता है. हाँ, तो देयर वी राइट एफ डैश एक्स, and then we further write integration of second function, that is gx dx, and then what result we get. ठीक है, we carry out integration for the whole thing. So this makes my formula for integration by parts when two functions are involved. ठीक है, तो क्या formula बनाइए, पहला function into integration of second function, बीच में minus, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन होल इंटीग्रल. ठीक है, ये चीज समझ में. हाँ बेटा, अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो कि आपको दोनों के डेरिवेटिव भी पता है और दोनों के इंटीग्रेशन भी पता है. ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज कर सकते हो, सेकेंड फंक्शन भी चूज कर सकते हो. ठीक है, is this point clear? ठीक है, let's take few examples here. For example, if we have to carry out integration of x into e to the power x dx, यहाँ पे अब clever decision है वो क्या होगा, हमें दोनों का derivative पता है, दोनों का integration पता है, हमें ये पता है कि first function को हम differentiate करते हैं. तो differentiate करने से क्या वो function खत्म होगा या और बड़ा हो जाएगा? ठीक है, एक्स को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद वो वन हो जाएगा. अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लूंगा, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट होकर एक्स स्क्वायर बना देगा, बड़ा हो जाएगा. ये मतलब एक्सप्रेशन मेरा हल्का नहीं होगा, कॉम्प्लिकेट होगा. ठीक है, यही थॉट हमें रखना है. तो फर्स्ट फंक्शन हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे कि वो डिफरेंशिएशन के बाद रिड्यूस हो जाए. ठीक है, ये चीज क्लियर हो. सो वी राइट, वी टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन, वी टेक दिस एज सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि अब हम
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x dx और फिर पूरा, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास e x, ये रहेगा e की पावर x ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विल रिमेन एज सच dx, फिर से इंटीग्रेट करेंगे फिर से ही रहेगा। सो दिस इज x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन तो आगे लिखिए इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन x माइनस वन प्लस, सो दैट बिकम्स द रिजल्ट। मेनी टाइम्स यू विल फाइंड सिचुएशंस दैट यू आर सिंपली गिवन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ log x। अब किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x होता है ये तो हमें पता ही नहीं, हमें इसका कि किसका डेरिवेटिव होगा log x ये हमें नहीं पता, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, ठीक है। तब ऐसी सी सिचुएशंस में भी हमें ये रूल हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है, एक फंक्शन तो log x दिख रहा है सेकंड दिख ही नहीं रहा, तो हम सेकंड फंक्शन को यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ये 1 है 1 कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो हम फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव पता है, ठीक है, और सेकंड फंक्शन इसको लेंगे और फिर इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। log x हो गया, इनवर्स के फंक्शंस हो गए, सारे ऐसे ही प्रोसीड होंगे, ये ध्यान रखना। खाली इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x आया हुआ है तो आप 1 इनटू साइन इनवर्स x करके प्रोसीड कर सकते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। ये बात समझ में, इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, जो कि होता है 1/x इंटीग्रल ऑफ dx और फिर पूरे का, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है बेटा, x, तो ये हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x x कट जाएगा फिर बचेगा 1, तो 1 इंटू dx ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x, x कॉमन तो log x माइनस 1। अब यहाँ पे यू विल फाइंड मेनी टाइम्स दैट दिस इट हैज गॉट अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें गाइडलाइन हमारे पास है कि किस फंक्शन को हम प्रेफर करें फर्स्ट फंक्शन के लिए, तो उसके लिए जो गाइडलाइन है दैट इज आईलेट, क्या है ये, क्या वर्ड है, आईलेट, ILAT, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा, इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा उसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा और जो बाद में आ रहा होगा उसको सेकंड फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, अभी जो हमने वन लिया था एक्सप्रेशन में वो वन कौन सा फंक्शन था, कैसा फंक्शन था, ठीक है। नाउ हियर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, इनवर्स सर पर कई कंडीशंस में ये वायलेट भी तो हो जाता है, ये वायलेट वहां पर होगा जहाँ पे दोनों फंक्शन ऐसे होंगे जिनके आपको डेरिवेटिव भी पता है इंटीग्रेशन भी पता है, तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं दूंगा भी, विल डू दैट। फिर ये लॉग फंक्शन, दिस इज अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेने की कोशिश करेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो अगर इस ऑर्डर में लेंगे, ठीक है, तो प्रोसेस आसान हो जाता है, तो प्रोसेस आसान हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अगर आप दूसरा ऑर्डर भी चेंज कर रहे हो इसका, ठीक है, तो हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि दोनों के आपको डेरिवेटिव भी पता है, दोनों का इंटीग्रेशन भी पता है, तो क्वेश्चन उससे भी हो जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर, चले आगे, तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्म पे चल जाए, ठीक है। रब कर दो बेटा इसको, ठीक है। अब आईलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन बन रहा है, अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो एक्स को फर्स्ट लेंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये क्या देगा हमें, 1 देगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx और फिर पूरे का dx,
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, दैट इज साइन एक्स. ये हो गया आपके पास एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स. दिस बिकम्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस. क्लियर हुआ ये? हाँ जी. साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने आप, इसको फर्स्ट ईयर जाएगा, दूसरा फंक्शन हमें यहाँ नहीं दिख रहा. तो एल्जेब्रिक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे वन डाल के. ठीक है, तो वी राइट वन इंटू दिस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन वन बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स. सो तो इसको देखो, ये बीच वाला इंटीग्रेशन बड़ा बनाना है, थोड़ा अलग से दिखाई देना चाहिए. चले आगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स 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 साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स से क्या मिलेगा, एक्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब ध्यान दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टू एक्स. ठीक है, अगर मैं ऊपर यहाँ माइनस टू एक्स बना लूँ तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा. हाँ जी, है ना. तो कैसे करेंगे, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई. ठीक है, बाहर माइनस था मेरे पास, अंदर ले जाएंगे. ये समझ में आएगा, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, बाहर का माइनस अंदर बाहर का स्क्वायर. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ये हो गया, अगर मैं खाली वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूँगा ये पूरा डी टी हो जाएगा. तो क्या सिचुएशन होगी, डी टी अपॉन रूट टी, और डी टी अपॉन रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. इस टू से टू बढ़ गया और आपके पास रिजल्ट जीरो. मेरा ना दिमाग बस चीज़ों को प्रोसेस करने में टाइम लेता है. अभी देखो ये माइनस प्लस हमने जैसे किया वो भी अंदर प्रोसेसिंग चल रहा है. तो बाहर वाला माइनस यूज कर लिया मैंने, बस है, समझ गए. नहीं होता तो दो माइनस लगा देता, लो माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया. हाँ जी, ये चीज़ समझ में आई. ठीक है, चलो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर एक खपती क्वेश्चन करेंगे. कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, पता नहीं, टाइप्स करो, उसके बाद एक्सरसाइज अपने आप करो. ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इसको कैसे करेंगे, ई टू दी पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, साइन एक्स. अब की बात है, एक्सपोनेंशियल आई ले वो होता ना. अब इसमें हमको दोनों का डेरिवेटिव पता है, दोनों का इंटीग्रेशन पता है, आई ले. वैसे हम दोनों से किसी को भी फर्स्ट सेकंड. ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट, आप फर्स्ट फंक्शन लो e की पावर x को, और आप सुन रहे हैं जी, आप फर्स्ट फंक्शन लो sin x को. देख के लेते हैं, आज तो सेम आता है, और ये इच्छा अनुसार नहीं, ये आईलेट को कोई दिक्कत नहीं, ये साथ कर लेते हैं, अगले वाला ऐसे कर लेंगे. नहीं 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 नहीं, भाई तो कह रहा हूँ कुछ वॉलेट थोड़ी, वॉलेट तो नहीं हो रहा, ये तो होता जाएगा ऐसे. हाँ, वही सोच रहा था मैं. कोई बात नहीं, अब आगे ना कर, इसीलिए कहता है एक साथ कर लेते हैं. आप भी मैंने सजेस्ट किया था. नहीं कोई बात नहीं, तभी तो मैं रुक गया था एक पॉइंट पे जाके, मैं सर की तरफ गया. आई थॉट कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे डील करना है. ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको पता है ना कंटिन्यूटी में जाने वाले कि कभी ख़त्म ना होने वाला सवाल है. ठीक है,
तो इसको स्पेशल तरीके से हम हैंडल करते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे को हेल्प करो, लिखवाओ फटाफट। फर्स्ट फंक्शन ये लेना, सेकंड फंक्शन ये, ठीक है। e टू दी पावर x sin x का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस e टू दी पावर x, दिस इज माइनस cos x dx, माइनस ए टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर। ये क्या था हमारे पास, आई इज इक्वल टू, ओके। तो अब इसको दोबारा करना, माइनस ए टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, अब ब्रैकेट, ठीक है, ए की पावर एक्स, इसका हो जाएगा साइन एक्स माइनस e की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। अब e की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, यहाँ ये तो वो चीज़ यहाँ से हम शुरू हुए थे, आई ये हो जाएगा e की पावर एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, इधर भी हमारा पास है। अब ये आई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, टू आई, देखकर I is equal to e to the power x by 2 sin x minus cos x plus c, yeah. First function? हाँ जी. Integration of sin x minus cos x. हाँ ठीक है ठीक है वो बोला. Minus derivative of first function यही रहेगा. Integration of sin x minus cos x dx. ये minus minus बाहर press कर दिया. ठीक है. E की power x cos x dx. हाँ जी. ठीक है, अब ये तो हमारे पास टर्म बनी हुई है, हाँ। इस पे हमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है। प्लस भाग मैंने ब्रैकेट से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे हम अंदर लगा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, माइनस इसका डेरिवेटिव फिर साइन एक्स डी एक्स, अब ये वही चीज आगे रिपीट होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए इसको हमने आई लिखा, ठीक है ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करते हैं आप, ये ध्यान रखना, ठीक है, साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये माइनस है माइनस इधर आके प्लस होगा तो ये टू आई हो जाएगा और वो टू फिर आप नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आया। इसलिए आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन टू, दैट इज हाफ ऑफ दिस एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर ये प्लस हो जाता तो आई, फिर उस केस में फिर यहाँ पे कुछ आएगा इसके साथ, जैसे यहाँ पे पाँच आई है यहाँ पे चार चार आई हैं तीन आई हैं तो कुछ मिलेगा रिजल्ट आपको, कटेगा नहीं वो सिचुएशन, मतलब कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन एग्जिस्टिंग करते हैं ना शायद, हाँ कुछ एक्सेप्शंस, ये समझ में आ गया, हाँ बेटा, हाँ जी। अब आप दूसरी तरीके से कर रहे तो उससे भी रिजल्ट यही आएगा, ठीक है ठीक है। अगर फर्स्ट फंक्शन इसको ले लें सेकेंड इसको लें तो स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब एक अच्छा सा सवाल दे रहा हूँ, इसी तरीके का ऐसे ही करना, ऐसे ही होगा e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c, और ऐसे ही आई यहाँ पर बाद में आएगा तो आई लिखा जाएगा, वो इधर आके ऐड होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके रिजल्ट डायरेक्ट लिखने को आना चाहिए, ध्यान रखें a b c ये कॉन्स्टेंट्स, इंटीग्रेशन करूंगी तो a नीचे आता है, डिफरेंशिएट करूंगी तो आगे आता है, e की पावर ax अपॉन a दैट, डिफरेंशिएट करूंगी तो a सामने आएगा, तो मेरे को आ रहा है बेटा, तो a e की पावर ax माइनस cos bx plus c अपॉन b आएगा, एक सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos bx plus c अपॉन b, डिफरेंशिएशन cos bx plus c into b, ये होगा ना इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होगा, नहीं वो sin x को फर्स्ट लेके चल रहे, हां हां ठीक, b सामने आएगा उसके, माइनस भी बाहर ले लूंगा बेटा, माइनस भी बाहर है, हां नहीं माइनस से प्लस मिलेगा a पर b पर, फिर कुछ कुछ दिया था गलत, उसका b ऊपर नहीं आएगा, a square by b आएगा, a square by b square आएगा, यह आंसर नहीं है, नहीं नहीं
आंसर बहुत दूर है, क्या करा ये मैंने, अभी तो आंसर बहुत दूर है, बताओ सही ना, करो मुझे ना अब ऐसे क्वेश्चन ही आ रहा, मैं मंत्र है पेज फाड़ दो तो दोबारा कर लो, बताओ ना क्या करूं, चेक कर ले बेटा वहां, अरे यहां पे दो दो आई बनते हैं, दो आई नहीं एक ही आई बने, दो बनते हैं, दो कैसे बनेंगे, आई आई तो इंटीग्रेशन वाला होगा, ये कैसे होगा, ये नहीं हो भाई, ये इसका अगर मैं कांस्टेंट बाहर ले लूं तो 1 बाय भी बाहर ले लूं, ये भी आएगी ना, ये जो माइनस में ये तो एक टर्म हो, हां ये टर्म अलग हो, हां तो वही तो बोल रही हूं, ये भी तो इसको भी तो मैं आई लिख सकती हूं, क्यों लिख सकती हूं, क्यों इंटीग्रेशन कैसे, अच्छा बाद क्या थोड़ी सी अलग ही दिमाग चला रही हूं, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, इतनी देर में सवाल नहीं है, अब नहीं कर दी, बस हो गया, पी टू दी पावर एस, ये क्या हो गया, माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी, तो ए ए वाई बी तो एक प्लस है, एक और बी ए ए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सुनो सुन लो, मेरी बारी चल रही है, मेरी सुनो, यहाँ बीस पेयर है नीचे, यहाँ भी बीस पेयर है नीचे, यहाँ पे यहाँ बीस पेयर चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, यहाँ बीस से मल्टीप्लाई बीस, तभी समझ में आया, ठीक उसको इधर लाएंगे तो आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई हो गया, ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम घर, e की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर, e की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, e की पावर ए एक्स, ये तो बाहर आ गया, ए साइन बी एक्स बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से माइनस बी कॉस एक्स बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक ये समझ में आ गया, कोमल को आया बेटा आपका, अब यहाँ पे आई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वन प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, है वो बी स्क्वायर दोनों साइड आ रहा तो कट जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इसका रिजल्ट हो गया फाइनल रिजल्ट, यहाँ लिख रहा हूँ, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, दैट इज द रिजल्ट, सो कॉन्स्टेंट में गड़बड़ आ गई बेटा, चेक करो एक बार, ये बढ़िया पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो नहीं है,
क्या ये वाला अनसर्टेन में है, मिसलेनियस में होगा, आप कहीं कहीं भी हो, परफेक्ट क्वेश्चन है ये पेपर के, तीन नंबर में आ सकता है मेरे हिसाब से, नॉट मोर देन। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये फार्मूला ऐसे ही ऐसे कैसे याद होना चाहिए, साइन की जगह कॉस लिख के एक बार और कर दो जल्दी से। अरे ये तो फार्मूला है। हाँ तो फिर आपने उसकी डेरिवेशन और क्या, अब यहाँ पे कॉस लिख के कर जल्दी से, अभी पता चलता कितना है। छह स्टेप का क्वेश्चन है, तीन नंबर का छह, तुम तो सोलह में करोगे इसको, काट के दोबारा लिखेगी, चार पाँच छह नहीं जी सात आठ नौ दस, मैंने बीच बीच में खा ली ना, दस दस में किया, नॉट बैड, ठीक है, एक्सेप्ट है। ये देख मैंने बिना काटे करा था, मैंने कुछ भी नहीं काटा, मैंने एक ही बार में किया। मैंने ये स्पेस टोटलाइजेबल नहीं है। अच्छा बताओ क्या, ठीक है, सेम फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा चेंज और बीच में प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे प्लस आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इसका रिजल्ट होगा एक्स अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, और फिर ये भी लॉग की फॉर्म लेता है, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो पहले वाले छः फॉर्मूले और ये तीन, और तीन ये नौ फॉर्मूले जो पूरा नौ का एक सेट बना, और ये आपको कंटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। इनडेफिनिटली फॉर्मूलेस खत्म, इनडेफिनिटली फॉर्मूलेस का सब, देखो e की पावर x वाला फॉर्म रहेगा वो बता देता हूँ। मैं सोच रही ना कि फॉर्मूला शीट बनाती हूँ इसकी। हाँ वो बना, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, हाँ। जैसे अपॉन वाले को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, तो इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको लगाना, ठीक है, तो इनकी डेरिवेशंस करनी है तीनों की, ये होमवर्क है। हाँ क्यों, क्वेश्चन आ सकता है, इंटीग्रेट दिस, बस छोड़ दिया, अब ये पूरा कैसे करके दिखाओगे, फॉर्मूला थोड़ी दी क्या होगा वहाँ पे, क्यों क्या होता है, हर फार्मूले की डेरिवेशन आनी चाहिए, हर फार्मूले की डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि हर फार्मूला अपने आप में एक क्वेश्चन है। अभी दो तरीके बताए मैंने, वन इंटू लिख के कर सकते हो इसको आप, या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। करूंगी तो दीजिएगा ना, और इसमें क्या करना है, भी कर सकते, सेम रिजल्ट आएगा। अगर कोई भी इंटीग्रेशन हमारे पास e टू द पावर x f x प्लस f डैश x dx इस फॉर्म में, अगर कोई भी इंटीग्रल हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका स्ट्रेट रिजल्ट क्या बन के आता है, e टू द पावर x f x प्लस c बन के आता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर हम अलग अलग करके इसको अलग अलग कर दें, ठीक है, मान लो e टू दी पावर x f x dx प्लस e टू दी पावर x f डैश x dx, ऐसे लिख देता हूँ, और इसमें बाय पार्ट्स लगा देता हूँ, ठीक है, वो माइनस में आ जाएगा, वो और वो कट जाएगा, तो ये वाले फॉर्म बचेगा, तो यही बचेगा, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में सेकंड फंक्शन ही लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना एफ
की पावर x, सॉरी एफ एक्स e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज एफ डैश x e की पावर x dx. तो ये माइनस की फॉर्म में, ये प्लस की टर्म में, e टू दी पावर x एफ डैश x dx. तो ये दोनों आपस में नलीफाई हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद दिस इज एफ एक्स, जहाँ पे e की पावर x दिख रहा है आपको, ठीक है, वहाँ पे जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में अरेंज करना होता है, और अरेंज करने में आपको फिर अपने मैथमेटिकल स्किल्स यूज करनी है, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है? तो जो आप क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सारी वैरायटी आपको मिलेगी, ठीक है. तो डेफिनेट की वैरायटी खत्म, क्वेश्चन अभी हमें कर रहे हैं, एक क्लास में इसके जो क्वेश्चन हैं टाइप्स हैं वो सारे कवर करेंगे. Thank you.